मोदी के साथ तो है ही मुझे लगता है राजस्थान में भी अशोक गहलोत के साथ कोई मोटा गठजोड़ है जो आज हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। आज इस देश का पैसा, LIC का पैसा, SBI का पैसा, जिसमें लाखों इस देश के गरीबों का पैसा लगा हुआ है, आज मात्र 8 दिन में उसका 65,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी है? आज मॉरिशियस में 38 कंपनियां एक मकान पर रजिस्टर होती है और वो 38 कंपनी अदानी के शेयर खरीदती है और मात्र 2.5 साल में 2020 से 22 में 2.5 लाख करोड़ की कंपनी जो 13 लाख करोड़ की हो जाती है, 816% जो कंपनी बढ़ती है इस देश में, विपक्ष का कोई नेता हो या बिजनेसमैन हो, जरा सी उसकी बढ़त होती है तो CBI, ED, SEBI सब उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन बात करें राजस्थान का बजट भी परसों पेश हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे कि राजस्थान का बजट जो पेश हुआ? देखिए राजस्थान का बजट जो एक बहुत ही फूहड़ कॉपी है आम आदमी पार्टी की, मैं तो मांग करता हूँ जो उन्होंने 100 यूनिट किए इसको 200 यूनिट करे, जो महिलाओं के लिए जो इन्होंने आधी जो मुफ्त की यात्रा पूरी मुफ्त करे, और जो दिल्ली इन्होंने तीर्थ यात्रा की कॉपी की बहुत सारी इन्होंने दिल्ली सरकार की कॉपी की है। और मैं राजस्थानी जनता से कहना चाहता हूँ वक्त आ गया है असली केजरीवाल को चुनने का, जब असली केजरीवाल हमारे पास है तो इन नकली केजरीवाल से पीछे छोड़ो, क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने बजट में बहुत लोक लुभावन वादे किए थे और इस बार के बजट में इन्होंने युवाओं के रोजगार की बात की थी, युवाओं के बजट की बात की थी, लेकिन जहाँ ये पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे वो नौकरी क्या देंगे? हमारी सरकार पंजाब में आई, हमने आते ही 25,000 नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी, तो आज इनको कॉपी करने की जरूरत है, हम असली केजरीवाल और हम ही राजस्थान का भला कर सकते हैं। अगर आप 2023 राजस्थान में चुनाव है जिस तरह से देख रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी के जो राजस्थान में जो संगठन है उसका ही विस्तार नहीं हुआ, उसको किस तरीके से विस्तार करने की बात कर रहे हैं? देखिए संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है आपका हर व्यक्ति हर गाँव ढाणी ढाणी में हो, जो आपकी बातों को आपकी नीतियों को गाँव पहुँचा। और आज मैं बड़ी गर्व के साथ आपको कह रहा हूँ आज राजस्थान में आम आदमी पार्टी के जितने हमारे जो यहाँ की जनता है वो चाहती, आम आदमी पार्टी है वो चाहती है कि यहाँ पे बदलाव आए, और हमारा हर व्यक्ति हर गांव में जो आज अरविंद केजरीवाल जी के कामों की चर्चा कर रहा है। और जहाँ तक रही संगठन की बात तो बहुत जल्द हम संगठन बना लेंगे और आप देखेंगे बहुत मजबूत संगठन बनेगा और 2023 का चुनाव उसी संगठन के दम पर लड़ा जाएगा। आप राजस्थान में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं? 200 सीट पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे और आज हम लोग मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है और 200 की 200 विधानसभा पे हमें मेंबरशिप का अच्छा रिस्पांस मिला। हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ हरनाम सिंह जयपुर।